जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है बोट वॉच फ्लैश, एंड सेकंड जो है वो है हमारा नॉइस फिट एक्टिव जो जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे करने वाला है कंप्लीट कंपैरिजन। और देखेंगे ये दोनों में से कौन सा यहाँ पे बेस्ट रहेगा आपके लिए ऑन द प्राइस रेंज ऑफ 3500। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू चैनल ईटेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दोस्तों, दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाता है। बोट वॉच फ्लैश एंड नॉइस फिट एक्टिव दोनों ही आपको 3500 रुपीज़ में मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई सेल रहता है तो मे बी प्राइस ड्रॉप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोनों का परचेज लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। अगर बात करें यहाँ पे अनबॉक्सिंग की, तो यहाँ पे जो बोट वॉच फ्लैश है वहाँ पे और नॉइस फिट एक्टिव दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट मिलते हैं। मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है, 1 ईयर वारंटी कार्ड एंड स्मार्ट वॉच विथ बेल्ट। यहाँ पे दोनों में से किसी में भी एक्स्ट्रा बेल्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे वेट की, तो नॉइस फिट जो है भाई काफ़ी लाइट इन वेट है, 34 ग्राम, एंड बोट जो है वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 54 ग्राम का दिख जाता है। अगर बात करें यहाँ पे लुक की या तो फिर इन हैंड कॉम्पेटिबिलिटी की, तो नॉइस फिट कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे वियर करोगे ऑन योर हैंड, एंड बोट कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे वियर करोगे ऑन योर हैंड। तो भाई बोट जो है थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में है, इवन जो स्ट्रैप्स है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली स्पोर्टी लुक यहाँ पे देते हैं, और जो डायल है उसके ऊपर यहाँ पे आपको नंबर भी प्रिंटेड दिख जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो नॉइस फिट एक्टिव है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम लुक है, तो काफ़ी डिसेंट वाला लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है बोट के अंदर, 1.3 इंच एंड 1.23 इंच LCD TFT डिस्प्ले मिलती है आपको यहाँ पे नॉइस के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे साइड बाय साइड थिकनेस में, तो भाई जो बोट है काफ़ी स्लिम है कंपेयर टू नॉइस, और यहाँ पे नॉइस के अंदर आपको 2 क्राउन बटन मिलते हैं, एक यहाँ पे क्विक बटन है मेनू के लिए, और सेकंड जो है वो है हमारा स्पोर्ट्स मोड के लिए। और बिल्ड क्वालिटी भाई यहाँ पे मुझे बोट की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और चेंजेबल स्ट्रैप्स आपको मिलते हैं दोनों के अंदर, तो आप कोई भी स्ट्रैप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। और पीछे आपको यहाँ पे चार्जिंग डॉट्स एंड हार्ट रेट एंड SPO2 सेंसर मिल जाता है। सो अगर आपको यहाँ पे स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप जा सकते हो बोट के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीमियम लुक चाहिए तो आप जाइए नॉइस के अंदर। और हाँ, यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉच की जो डिस्प्ले काफ़ी सुपर है, इंडोर कंडीशन में तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट की बात करें भाई, तो मुझे थोड़ी सी नॉइस की डिस्प्ले बेटर लगी। जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी हल्की सी बेटर है नॉइस के अंदर कंपेयर टू बोट। दोनों ही काफ़ी अच्छा है और दोनों ही रीडेबल है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। यहाँ पे और एक डिफरेंस है दोनों वॉच में, जो नॉइस है वहाँ पे आपको एक क्विक मेनू मिलता है, यानी कि शॉर्टकट जहाँ से आप रेस टू वेक फंक्शन को इनेबल कर सकते हो, लेकिन बोट वॉच के अंदर ऐसा नहीं है। बोट के अंदर आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में और वहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। दोनों ही रेस टू वेक फंक्शन में ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, तो रेस टू वेक फंक्शन दोनों का कम्प्लीट है। दोनों में और एक डिफरेंस है, वो है वाटरप्रूफ रेटिंग, 5 ATM का आपको मिलता है नॉइस के अंदर। बोट के अंदर IP68, यानी कि आप स्विमिंग पूल के अंदर प्रीफर कर सकते हो नॉइस को ओवर द बोट स्मार्ट वॉच। और हाँ, यहाँ पे और एक डिफरेंस है, जो यहाँ पे नॉइस है वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है नीचे, क्राउन बटन जैसा, जहाँ से आप क्विक जो स्पोर्ट्स मोड हो उसको यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग बटन है, वहाँ पे अगर अंदर जाते हो तो वहाँ पे आप डिस्टेंस या तो फिर कैलरी, यहाँ पे आपका गोल क्या है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन नॉइस के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे जाना पड़ता है मेनू के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड के अंदर यहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है और चूज़ करना पड़ता है कौन सा यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट के हिसाब से, यानी कि स्पोर्ट्स मोड के हिसाब से, नॉइस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। और हाँ, नॉइस जो है उसके अंदर यहाँ पे आप क्विक वॉच फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द होम स्क्रीन, लेकिन अगर आपको बोट के अंदर सिलेक्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा मेनू के अंदर, और मेनू के अंदर जाके आपको यहाँ पे जो वॉच फेसेस का ऑप्शन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो क्विक जो चेंजिंग वाला चाहिए आपको वो मिलता है नॉइस के अंदर। और हाँ, आप अपना भी कस्टम वॉच फेस यहाँ पे सेट कर सकते हो, गैलरी का कोई भी फोटो या तो फिर क्लाउड वॉच फेस जो है वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो।
अगर बात करें यहाँ पे दोनों में हेल्थ रिलेटेड, तो भाई दोनों का जो हार्ट रेट सेंसर है या तो फिर SpO2 सेंसर है भाई, काफ़ी एक्यूरेट है। अगर आप डायरेक्ट एयर में या तो फिर टेबल के ऊपर मेजर करोगे तो यहाँ पे ये एरर दिखाता है। तो भाई दोनों ही जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी रिलायबल है। दोनों के अंदर आपको यहाँ पे 24/7 का हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेंसर जो है वो वर्क करता है। दोनों के अंदर आपको यहाँ पे SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन भी मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे दोनों के अंदर आपको ब्रीथ मोड मिलता है, यानी कि इनहेल एक्सेल जो मोड है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन जो नॉइज़ है उसके अंदर यहाँ पे एक मोड एक्स्ट्रा मिलता है जो है स्ट्रेस मोड। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप स्ट्रेस भी मॉनिटर कर सकते हो विथ नॉइज़ वॉच। एक और जो प्लस पॉइंट है वो है अलार्म। जी हाँ गाइज, मेरे जैसे गाइज है तो भाई मेरे को तो वॉच के अंदर ही अलार्म चाहिए, तो जहाँ से मैं क्विक उसको सेट कर सकूँ, तो ये पॉसिबल है नॉइज़ के अंदर। लेकिन जो बोट है वहाँ पे फिर से आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में, यहाँ पे अलार्म का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको जो चार्जिंग केबल मिलता है वो मैग्नेटिक है और काफ़ी अच्छा और पावरफुल है, और डिज़ाइन जो है दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे मज़ा आएगा दोनों में यूज़ करने में। अगर बात करें यहाँ पे दोनों के बैटरी लाइफ की, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 5 to 6 days की आपको बैटरी लाइफ मिलती है नॉर्मल यूज़ पे। और हाँ, यहाँ पे अगर बात करें UI को लेके, तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लैक ऑफ एनिमेशन दोनों में से किसी का भी नहीं है और स्मूथली चलता है। मुझे थोड़ा सा बेटर लगा अगर बात करें एनिमेशन की, तो बोट का जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा बेटर लगा कंपेयर टू नॉइज़। लेकिन गाइस दोनों का जो है काफ़ी स्मूथली यहाँ पे रन होता है। दोनों के अंदर यहाँ पे आपको क्विक शॉर्टकट यानी कि ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक मिसिंग लगा बोट में और वो है रेस टू वेक फंक्शन, वो आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में और वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। दोनों के अंदर आप यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। और एक जो पॉजिटिव पॉइंट लगा नॉइज़ के अंदर वो है एप्लीकेशन सिंबल। जब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो कौन सा ऐप का नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे शो करता है, लेकिन कम्प्लीटली मिसिंग आपको मिलेगा बोट के अंदर। तो भाई बोट का जो UI है थोड़ा सा मींस बेटर हो सकता है, सिंबल या तो फिर शॉर्टकट है उसको ये थोड़ा सा और ज़्यादा कस्टमाइज़ करे तो भाई और भी मज़ा आएगा। लेकिन नॉइज़ के अंदर कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल जो मेनू है वो आपको मिलता है और एक्सपीरियंस जो है मींस आपको यूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा नॉइज़ के अंदर। लेकिन गाइज फाइनली चॉइस इज़ योर्स। और सो दोस्तों, अगर फाइनली बात करें यहाँ पे दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो भाई दोनों में से बेस्ट चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको यहाँ पे स्पोर्टी लुक ज़्यादा पसंद है तो भाई आपके लिए एकदम सही रहेगा बोट वॉच फ्लैश। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक प्रीमियम लुक चाहिए तो भाई आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे नॉइस फिट एक्टिव। तो भाई फाइनली चॉइस इज योर्स। और हाँ, दोनों का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।